गुड मॉर्निंग बच्चों, 11th क्लास के पहले पाठ के काव्य भाग में हमने एक पद कर लिया था, कबीर के पदों में एक पद। अब पद नंबर दो देखिए, व्याख्या करेंगे पद नंबर दो की। संतो देखत जग बौराना, सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कबीर दास जी लोगों की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हैं और कहते हैं, हे संतो देखो, ये संसार बौरा गया है, बावला हो गया है, भटक गया है। सांच कहूँ, अगर सत्य कहूँ तो मारने दौड़ता है, और झूठों पर ये पतियाना माने विश्वास कर लेता है। ये संसार जो है, सच कहूँ तो मारने दौड़ता है और झूठ पर विश्वास कर लेता है। यानी ये संसार जो है वो अंधविश्वासी और दवेसी हो गया है। आगे बताता है कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। क्या कमियां हैं इस समाज में? कहता है, मैंने नियम और धर्म का पालन करने वाले बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस ज़माने में हो गए हैं। कैसे? प्रातः है स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं, आत्म मारी पखान ही पूजे, आत्मा को तो मार देते हैं, और पखान ही माने पत्थरों को, पूजे माने पूजते हैं। ऐसे लोग आत्मा को का सम्मान नहीं करते, अंतर आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं है। वस्तुतः इन लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, कबीरदास जी मानते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कहता है, मैंने बहुत सारे पीर और औलिया यानी सूफी संत आदि जो महात्मा हैं वो मैंने बहुत सारे देखे हैं, जो किताबें और कुरान नित्य पढ़ते रहते हैं, हमेशा ही धार्मिक किताबें और कुरान आदि पढ़ते रहते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। कहता है कि मुरीद माने शिष्यों को, तदबीर माने रास्ता दिखाना, उपाय बताना, जीवन की समस्याओं का उपाय बताना मुरीद। तो वे जो हैं अपने मुरीद को, अपने शिष्यों को क्या रास्ता दिखाएंगे, क्या उपाय बताएंगे, उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें ज्ञान हो तभी तो वो बताएंगे। उनमें हो जो ज्ञान तो ही वो बताएंगे, उन्हें खुद ज्ञान नहीं है। आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं या भांति भांति के आडंबर करते हैं, ईश्वर की वास्तविक सत्ता को नहीं पहचानते, कण कण में व्याप्त ईश्वर के आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, तो भला वो दूसरों को क्या रास्ता बताएंगे, शिष्यों को क्या रास्ता बताएंगे। अगली पंक्ति देखो, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और ऐसे जो संत महात्मा हैं वो आसन लगा करके और डंब को धारण करके माने घमंड के साथ बैठ जाते हैं। आसन लगाकर मन में बहुत गुमान रहता है, अभिमान रहता है। आगे कहता है, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। और तीर्थों में जाने के गर्व से ईश्वर को उन्होंने भुला दिया है, तथा पीपल और पत्थर आदि की पूजा वो करने लगे हैं। यानी वास्तु ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है वो प्राणी प्राणी में मौजूद है, सबसे प्रेम सहयोग और दुखी पर दया, ये सब चीज़ें भुला करके वो पीपल और पत्थर को पूजने लगे हैं और तीर्थ के गर्व में ईश्वर को भुला दिया है। इन सब तीर्थों के अभिमान में ऐसे लिप्त हुए हैं कि उन्होंने ईश्वर को भुला दिया है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। वे टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छापे लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो बाहरी उपाय बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आत्मा में व्याप्त ईश्वर को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, और इस ईश्वर को पाने के लिए ऊपरी उपायों में वो अनेक तरह के कार्य करते हैं, जैसे टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छापा लगाते हैं और तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। साखी सबदही गावत भूले, आत्म खबरी ने न जाना। कहता है,
कि साखी और शब्द गाते रहते हैं, यानी भजन कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन भूल गए हैं आत्मा को, आत्म खबरी में जाना, अपनी खबर तक उनको नहीं है। यानी ऐसे लोगों को ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस संसार में मेरा क्या उद्देश्य है, मानवीय उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों का उन्हें कोई खबर नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। हिंदू तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के कबीरदास जी ने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन सब के जो धार्मिक क्रियाक्रम हैं, जितने भी धार्मिक उपचार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उन सब का व्याख्यान करते हुए एक बात बताई है कि इन सब के द्वारा बाहरी क्रियाकलाप तो होते हैं लेकिन अंतरात्मा की शुद्धि नहीं हो पाती बिना ईश्वर के असली तत्व को समझे। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर रहता है, कण कण में ईश्वरीय सत्ता व्याप्त है, ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है। सबसे प्रेम करना, दुखी की सहायता करना, भूखे को भोजन खिलाना, वही ईश्वर का वास्तविक भजन है। कबीरदास जी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचाने बिना ही केवल बाहरी आडंबर करने में लोग लगे हुए हैं। आगे देखिए, हिंदू कह मोहि राम प्यारा, तुर्क कह रही माना। हिंदू तो कहता है कि मुझे राम प्रिय है और तुर्क कहता है मुझे रहीम प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए मरम न काहू जाना, और इसी अहंकार में कि राम प्यारा है रहीम प्यारा है, इसी झगड़े में दोनों आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। मर्म किसी को भी पता नहीं चलता। मर्म माने रहस्य, मर्म माने ज्ञान। ईश्वर का वास्तविक रहस्य, ईश्वर का वास्तविक ज्ञान किसी को पता नहीं चलता कि ईश्वर कहाँ है। जो हर प्राणी में है वो नफरत करने से, झगड़े करने से, अभिमान करने से नहीं मिलता, इसलिए वो दोनों लड़के मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं जान पाते, ईश्वर के मर्म को नहीं समझ पाते। आगे देखो, घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। और इसी क्रम में कबीर दास जी ऐसे गुरुओं के ऊपर व्यंग्य करते हैं जो तरह तरह के तरीकों से प्रचार करते हैं और अपने शिष्यों को नाम देते हैं, उसके द्वारा भी वो शिष्यों को के सहित खुद नरक में चले जाते हैं क्योंकि ईश्वर का वास्तविक ज्ञान उनको नहीं रहता है। तो कहता है ऐसे गुरु घर घर मंत्र देते फिरते हैं और अपनी महिमा के अभिमान में डूबे रहते हैं कि मैं महान हूँ, मुझे ज्ञान है, इसलिए गुरु के सहित ऐसे शिष्य सब डूब जाते हैं और अंतकाल में इन्हें पछताना पड़ता है। जो ईश्वर को नहीं जानते, जो दया प्रेम धर्म रक्षा सहयोग ये सब गुणों को धारण नहीं करते और केवल अभिमान में ही ईश्वर को भजते हैं, वो सारे गुरु और गुरु के साथ साथ ऐसे गुरु के शिष्य सब डूब जाते हैं और अंत में पछताना पड़ता है। कह कबीर सुनो हे संतो, कह कबीर सुनो हे संतो, ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहूँ कहा नहीं माने, सहज ही सहज समाना। कबीर दास जी कहते हैं हे संतो सुनो, ये सब जो क्रियाकलाप ऊपर हैं ये मर्म को भुलाने के लिए हैं। मर्म माने मैंने बताया था रहस्य ज्ञान, ईश्वर का वास्तविक ज्ञान को भुलाने में ये सारे उपर्युक्त जो क्रियाएं हैं वो सहायक हैं। यानी आदमी माला पहनता है, टोपी पहनता है, छापा तिलक और अभिमान सहित ज्ञान देता है, इन सब चीज़ों के द्वारा ईश्वर का वास्तविक मर्म को भुला देता है व्यक्ति, अभिमान का शिकार हो जाता है और कहता है कितना कहूँ कहा नहीं मानते, कोई भी मेरी बात का कहा नहीं मानता, मैं बार बार समझाता हूँ क्या, सहज ही सहज समाना, सहज में ही सहज समाया रहता है। इसको समझिए, यहाँ पर यमक अलंकार है। सहज शब्द दो बार आया है, एक सहज का मतलब होता है सीधा व्यवहार, सीधा या सादा व्यवहार जिसमें हम कोई दिखावा नहीं करते, सरल और सादगी का आचरण करते हैं, उसको सहज कहते हैं। तो सहज जीवन व्यतीत करने में ही, फिर है सहज समाया हुआ है, यहाँ सहज है ईश्वर, ईश्वर को सहज माना गया है क्योंकि ईश्वर के ऊपर सुख दुख लाभ हानि मान अपमान इन सब चीज़ों का, संसारिक तत्वों का
जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ईश्वर का एक नाम है सहज, तो सहज में ही सहज समाया हुआ है। सादे जीवन में ही ईश्वर की प्राप्ति निहित है, मैं बार बार समझाता रहता हूँ फिर भी कोई इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। कबीरदास जी ने ये संदेश दिया है, यही संदेश देने के लिए ऊपर वाली सारी बातें विस्तार से कवि ने बताई हैं। अब काव्य सौंदर्य में आपने क्या लिखना है, क्योंकि प्रसंग और व्याख्या आप लिख दोगे, व्याख्या मैंने अभी कराई है, तो काव्य सौंदर्य में आपने क्या लिखना वो देखो। भावपक्ष भी आपके सुनने आ गया होगा कि कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर एक स्वरूप है, वो घट घट में व्याप्त है, किसी प्रकार के बाह्य आडंबर से ईश्वर को प्राप्त किया नहीं जा सकता, वो सहज में ही समाहित है। जो सीधा साधा आचरण करता है, सबकी सहायता करता है, सबसे प्रेम करता है और मानवीय गुणों को धारण करता है, ईश्वर हमेशा ही उसके पास रहते हैं, अन्यथा ईश्वर ढूंढने से और आडंबर करने से नहीं मिलते। इसका भाव हो गया, भाव पक्ष पूरा हो गया। इसके बाद शिल्प पक्ष में आप जो है भाषा से दुकड़ी बता सकते हो इनकी, और शांत रस है, प्रसाद गुण है, अलंकार आप देख सकते हो, संतो देखत जग बोराना, साच कहूँ तो मारन धावा झूठे जगपति आना, इसमें जो है विरोधाभास अलंकार हैं, विपरीत सी लगती जहाँ बातें होती, विरोधाभास अलंकार आप कह सकते हो, और स्वर मैत्री अलंकार, अंतिम स्वर प्रत्येक पंक्ति के मिलते हैं तो स्वर मैत्री अलंकार है, लास्ट में मैंने सहज ही सहज समाना में आपको यमक अलंकार बताया था, और पीपर पाथर पूजन लागे पै पै की आवृत्ति के कारण जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसके काव्य सौंदर्य, और सहज सरल सदुकड़ी हिंदी भाषा का प्रयोग है।